यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन के दिन कई जनपदों में जमकर बवाल हुआ। इस मारपीट के कारण दूसरी पार्टियों को नामांकन ही नहीं करने दिया गया तो कुछ जगहों पर नामांकन कैंसिल भी किए गए। योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर और गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन तक नहीं हो सका। गोरखपुर में पुलिस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी के समर्थकों की जमकर धुलाई कर दी। उधर देवरिया में पुलिस और समाजवादी के कार्यकर्ताओं में झड़प और हंगामा के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। गाजियाबाद में प्रशासन के विरोध में समाजवादी पार्टी और रालोद कार्यकर्ताओं ने देर तक शाम को जाम लगाए रखा। इस बीच राज्य के 16 जिला पंचायत अध्यक्ष के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है। इन सीटों पर अन्य किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों से मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी नाराज है कि कैसे चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुने गए जिला पंचायत सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी जिला अध्यक्ष के चुनाव में हार मिली। ये यही जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीती है। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा इस चुनाव पर ट्वीट करते हैं, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव किसी कबीले में हो रहा है। मेंबर्स को पुलिस उठा रही है, मुकदमे लादे जा रहे हैं, किसी का घर ढहा दिया गया, किसी की दुकानें गिरा दी, कोई होटल में छिपा है, कोई दूसरे राज्य भाग गया, किसी ने दल बदला है और किसी का पर्चा छीना और कोई कूटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।